इश्क के आगे इस जो एल्बम है उसके आगे बहुत कुछ है। अशोक जो कि हमारे बहुत ही चहेते गज़ल के फनकार हैं, उनका ये एल्बम बहुत ही लाजवाब है और मैं समझता हूँ कि अब इश्क के आगे के बाद और आगे बहुत सारे अशोक के गज़ल एल्बम आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं उसे। मेरे ख्याल से एक अच्छे कलाकार के लिए, एक अच्छे फनकार के लिए कभी लेट या अर्ली कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे आप सुन रहे हैं कि उनकी आवाज़ में आज भी वही ताजगी है, उनकी आवाज़ में आज भी वही जादू है। तो मैं समझता हूं कि आज जबकि हम सब चाहते हैं कि ऐसी सूदिंग, ऐसी प्यारी सी आवाज़ जो है वो हमारे हमें सुनने का मौका मिले, वो आवाज़ आज आपको इस सीडी के ज़रिए मिल रही है। 8 गज़लें हैं और पाकिर साहब जिन्होंने ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी और भी कई मशहूर गज़लें लिखी हैं, जगजीजी ने जो गाई थी उनकी, तो उनकी गज़ल है उसमें 3 गज़लें हैं और नए शायर जो हैं बस गुलाम अब्बास, इनकी 3 बड़ी खूबसूरत गज़लें इन्होंने नए शायर हैं और उनको इन्होंने मौका दिया और अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उसको। और पुराने दाग साहब की एक गज़ल है, ट्रेडिशनल पुराने शायर हैं उनकी गज़ल है, और एक नसीम रिफत हैं कंटेम्प्रेरी शायर हैं उनकी गज़ल है, रोमांटिक गज़ल हैं, बेस उनका रोमांस है और लाइट गज़ल्स हैं ताकि हर यंग और हर उम्र का जो है गज़ल लवर उसको इन्जॉय कर सके।